चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज पर होगा बवाल, ईवीएम पर विपक्ष उठाएगा सवाल, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग शुरू हो गई। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान है। अब 5 चरणों में कुल 543 सीटों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। इससे पहले 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। इसी बीच चुनाव आयोग के वोटिंग परसेंटेज को लेकर बवाल की स्थिति है। डेटा फॉर्म 17C को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और कुछ एनजीओ का आरोप है कि वोटिंग का डेटा देर से जारी करने पर चुनाव आयोग पर संदेह बढ़ रहा है। आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा में हेरफेर कर रहा है। जाहिर है कि ऐसे आरोपों से ईवीएम से होने वाले चुनावों में पब्लिक का भरोसा घटेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है। इस बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव के बाद मामले को रेगुलर बेंच के सुपुर्द करने का वादा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जता दिया कि वे क्लीन चिट नहीं दे रहा। यानी ये तय हो गया कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद भारतीय राजनीति में बवंडर आना तय है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने ये याचिका लगाई थी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग वाले दिन शाम 7:55 पर चुनाव आयोग ने बताया कि 102 सीटों पर वोटिंग 60% से ज्यादा हुई। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद रात 9 बजे बताया गया कि 60.96% वोटिंग हुई। इसके बाद 30 अप्रैल को जब फाइनल डाटा जारी किया जाता है तो पहले और दूसरे चरणों की वोटिंग बढ़ी हुई थी। पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई थी तो दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग होने की बात कही गई। जाहिर है कि इतने दिनों बाद जब वोटिंग परसेंटेज बताया जाएगा वो करीब 6% बढ़ाकर तो लोगों के बीच संदेह बनेगा, क्योंकि 6% वोट बढ़ने का मतलब है कि पूरा चुनाव पलट सकता है। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है कि समूचे आंकड़े कंपाइल करने में वक्त लगता है, इसलिए अंतिम आंकड़े जारी करने में कुछ देरी हुई, पर चुनाव आयोग की बात मानेगा कौन। दरअसल 2014 और 2019 के आम चुनावों में डाटा आसानी से उपलब्ध हो रहा था, जबकि चुनाव ईवीएम से ही हुए थे। इसके पहले जब चुनाव ईवीएम से नहीं होते थे तब भी डाटा शाम या रात को मिल जाता था। इस आम चुनाव में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या जारी नहीं करने की वजह से आयोग पर सबकी नजर है। आयोग ने सिर्फ मतदान प्रतिशत प्रकाशित किया, उसमें भी 11 दिन की देरी की गई। अभी देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे तो देश में वोटिंग परसेंटेज को लेकर बवाल की स्थिति होगी, फिर एक बार सवालिए घेरे में होगी ईवीएम।